नगर एवं ग्राम नियोजन उपसमिति के सदस्य वन परिवहन व युवा सेवाएं मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा रखी जन सुनवाई में मनाली उपमंडल की ग्राम पंचायतों के लोगों ने एकजुट होकर टीसीपी के नियम और कानून में छूट देने का आग्रह किया। वहीं कुछ लोगों ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों विशेषकर भूमि की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम से निजात दिलाने का मंत्री से आग्रह किया। वहीं कुछ लोगों ने टीसीपी में मिलने वाली सीवरेज साफ सफाई जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने का अनुरोध किया। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली उपमंडल के लिए परिधि गृह मनाली के प्रांगण में खुला दरबार लगाकर जनमन की बात जानी। जन प्रतिनिधियों ने और आम लोगों ने बारी बारी बेबाकी के साथ अपने विधायक एवं वन मंत्री को अपनी वेदना बताई। वन मंत्री ने बिना किसी औपचारिकता के लोगों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करने और अपने प्रति ईमानदार रहने का आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी नियम अधिनियम लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष की स्थितियों को देखते हुए कुछ खामियां हैं जिन्हें अवश्य दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, इसलिए उन्होंने उपसमिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लोगों के सुझाव लेने के लिए ही सभी जिलों और उपमंडलों में जन सुनवाई रखी गई है। वन मंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि कार्यालयों में आने जाने वाले लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का अविलंब समाधान करें। उन्होंने कहा कि लोग हाथ जोड़कर आपके समक्ष आते हैं और अनेक बार अधिकारी तक पहुंचने से पहले निचले स्तर से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि गरीब लोगों को कार्यालय के चक्कर ना लगवाए जाएं और प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई हो। इसमें जनता के प्रतिनिधियों ने और बहुत लोगों ने अपने बात को रखा है और हमने कहा है कि सबकी बातों को हम कैबिनेट सब कमेटी में डिस्कशन करेंगे और उसके पश्चात ही कि कानूनी तौर पर सारे बिंदुओं पर डिस्कशन करने के बाद जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उसको करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि जिसको लगता है जो कल को हो नहीं सकता। इसलिए हर चीज़ को देख करके हम देखेंगे कि एग्जैक्टली सारी चीज़ों को एग्जामिन करेंगे और उसमें जो जनहित में है उस आधार पर हम चलेंगे। चलो प्रदेश के बाकी ज़िलों में भी इस प्रकार की जन सुनवाई का काम चला है, तो इसीलिए यह है कि सब जगह पर क्या आता है सारी चीज़ों को एक बार कंक्लूजन पर पहुँचेंगे और उसके पश्चात उसमें भी कुछ जगह हिमाचल प्रदेश का लगता है कि कुछ तो मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए अलग अलग आधार पर कहां पर क्या हो सकता है तो उस पर ही वो विचार करेंगे। वो कैबिनेट सब कमेटी में बैठ करके जो क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उस पर हम जो है अगला लाइन पकड़ेंगे। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की योजनाकार रीता महेंद्र ने लोगों को टीसीपी अधिनियम की जानकारी दी, साथ ही उन्होंने लोगों की अनेक शंकाओं का भी समाधान किया। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।